सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद में ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत मिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3500 साल पहले कही है। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया, आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा, और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली, गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने में, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है, और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन, और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी, और इसको बार बार पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा, इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैनक्रियास अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा, जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी, जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी, जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए, इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करें, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं, गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद, 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में तब चीनी बनती है, और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं, और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता, और चीनी बने
तो इतने तरह के फार्मेलिन फार्मल डिहाइड इसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है, बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन इतना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है, 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे जी गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ खाइए। गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो आप खा सकते हैं, वो है काकवी। काकवी आपने देखी? काकवी गुड़ से भी अच्छी, गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के 1 साल 2 साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा है, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा है। वैसे नहीं, काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और उसका रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मान लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकाल दीजिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया का, शुगर मिल वालों का भी किया है। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं, शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है। वो खुद कहते हैं राजीव भाई करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ों रुपए लगते हैं ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न क्यों बाजार में लाते। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचे, काकवी बना के बेचे। और अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव? 10-12 रुपए। आपको मालूम है इसराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए का। इसराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहे तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो है। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है। गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है। शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए और शक्कर बिल्कुल मत खाइए। यह है सूत्र, और यह सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल दें, चीनी। क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है। तो एक तो शुगर का याद रखिए, ये घृणा करने की वस्तु है, सबसे ज्यादा नफरत करना है तो इससे करिए। और दूसरी एक वस्तु और है,
वैसे तो भागवत ऋषि के समय वो नहीं थी, ना ये शुगर थी, ना जो मैं बताने जा रहा हूं वो थी, लेकिन उनको शायद ही अंदाजा होगा कि कभी ये आ सकती है, तो सूत्र उन्होंने पहले ही लिख दिया। शक्कर जैसी ही दूसरी जो सबसे खराब चीज है जिससे आप नफरत करिए, घृणा करिए, उसका नाम है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। डालडा के नाम से तो आप सब समझते हैं, डालडा से नफरत करिए, इतनी नफरत करिए कि उसको छूने का भी नहीं, बहुत ही खराब। ये दो चीजें, शुगर माने चीनी और डालडा, अगर आपके स्वयं पाक घर से निकल जाए तो 148 बीमारियां जिंदगी में कभी नहीं आए। तो आप बोलेंगे जी डालडा की जगह क्या उपयोग करें, तेल वापरिए, और तेल कौन सा, जैसे शेंगा का, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी खा सकते हैं, राई का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल का, लेकिन आप जहां रहते हैं इस 40 गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां के लिए सबसे अच्छा शेंगा तेल ही है और तिल का तेल। सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, रखते सोयाबीन की रखते हैं। भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी, देखिए क्यों, सोयाबीन भी दाल है। चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं, सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की, नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते। सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है, सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोट में एक एंजाइम बनता है वो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोट में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए, आप कभी मत खाना है। कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो, नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का, सरसों का तेल इधर चलता, राई का तेल जिसको कहते, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहां चलता है वही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना था। डालडा या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर एक, हनुमान जी, ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। तेल खाना हो शुद्ध सीधा सीधा तेल खाना, और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा रिफाइंड तेल भी कभी मत खाना, रिफाइंड और डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड, जितना ज्यादा तेल रिफाइंड होता है उतना ही जहर उसमें बढ़ता चला जाता है। मैंने अभी पिछले 3 साल एक एक्सपेरिमेंट किया खुद, मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज और डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ गुर्दे दुखना, ऐसी 4-5 बीमारियां एक साथ हैं एक ही शरीर में, 4-4, 5-5 बीमारियां, ऐसे 100 से ज्यादा मरीजों को मैंने क्या किया, कोई औषध नहीं दिया,
उनको बताया नहीं। हमारे होम्योपैथी में मैं जो चिकित्सा करता हूँ, हम बोले नहीं तो मालूम नहीं है सामने वाले को कि वो औषध खा रहा है कि नहीं खा रहा। वो आपने देखा सफेद सफेद गोलियां होती हैं छोटी छोटी मीठी मीठी, हम उसमें औषध नहीं डालते कई बार, लेकिन पेशेंट तो खाता है, वो सोचता अरे ये औषधि है, क्योंकि औषध उसमें डालो या ना डालो गोली एक ही जैसी, हम उसको प्लेसिबो कहते हैं बिना औषध के। तो मैंने 100 से ज्यादा पेशेंट को कहा कि तुमको तो यही खाना है, तो उनको लगा कि ये औषध है। और मैंने पथ्य पथ्य में उनको कहा कि चीनी बंद आज से, शुगर बंद, गुड़ खाओ, जितना खाना है गुड़ खाओ, जितना खाना है काकड़ी खाओ, और वेजिटेबल ऑयल नहीं खाएंगे, डालडा नहीं खाएंगे, अमृत घी नहीं खाएंगे, कोई नहीं, और डबल रिफाइंड नहीं, ट्रिपल रिफाइंड नहीं, शुद्ध घानी का निकला हुआ तेल और शुद्ध गुड़, ये दो चीजें उनके जीवन में लाई और दो चीजें हटाई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 8 महीने से मैं उनके ऊपर ये प्रयोग कर रहा हूं, एक एक की बीमारी ठीक हो रही है, डायबिटीज उनकी नॉर्मल हो रही है, अर्थराइटिस बिना दवा दिए ठीक हो रही है, अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, गैस बनना बिल्कुल बंद हो गई है, एसिडिटी बिल्कुल चली गई है, मोटापा कम हो रहा है, सब बीमारियां बिना औषध ठीक हो रही। लेकिन वो पेशेंट नहीं जानते, मैं जानता हूं। पेशेंट क्या सोचते, वो राजीव भाई की औषध बड़ी मात्र से। तो आपके स्वयं पाक घर से जो निकालने की चीज है वो एक तो शक्कर है, चीनी, और दूसरा है डालडा घी। इन दोनों को जितनी नफरत कर सके उतनी करें, और प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो गुड़ के साथ करिए, काकवी के साथ करिए, और प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो शुद्ध तेल के साथ करिए जो घानी से निकल के आपके घर में आता है। शुद्ध तेल जितना भी खाएंगे कोई परवाह मत करिए, बिल्कुल हृदय घात की चिंता मत करिए। बहुत बार डॉक्टर आपको बोलते हैं ना तेल मत खाओ, घी मत खाओ, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे सभी डॉक्टर के साथ में चैलेंज करके शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तेल और घी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके शरीर के लिए पानी। अगर तेल घी नहीं होगा शरीर में, आपका शरीर नहीं चलेगा। आप जानते हैं ये आपके घुटने चलते हैं, कमर आप नीचे ऊपर होते हैं, सवेरे से शाम तक कितनी बार आप बैंड करते हैं फिर भी ये काम करती है, कितना किलोमीटर चलते हैं फिर भी ये काम करते हैं, ये सब तेल और घी का ही प्रताप है। तेल भी चाहिए शरीर को, घी भी चाहिए, लेकिन कौन सा तेल और कौन सा घी ये महत्व की बात है। फैट्स चाहिए, बिना फैट्स के जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन अच्छा वाला फैट चाहिए, जिसको सरल भाषा में कहूं गुड फैट्स चाहिए, और ज्यादा अच्छी भाषा में कहूं, परिष्कृत भाषा में कहूं, तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जरूर चाहिए, HDL, और जो नहीं चाहिए वो LDL और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है। तो LDL VLDL तो नहीं चाहिए, HDL चाहिए, बिना उसके शरीर चलेगा नहीं। और HDL सबसे ज्यादा मिलता है वो शुद्ध तेल में ही मिलता है, शुद्ध तेल माने जो घानी से निकलकर सीधे घर में आया वो तेल। आप कहेंगे जी उसमें बांस आती है, वो बांस ही तो उसकी प्रोटीन है। फिर आप कहेंगे वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसका कलर ही प्रोटीन है। अगर तेल का कलर निकाल दिया तो तेल का सत्यानाश कर दिया आपने, उसकी बास निकाल दी तो तेल सवा सत्यानाश हो गया। उसकी बास और उसका रंग, ये दोनों आपको जो खराब लग रहे हैं वास्तव में वही HDL है, उसी में से HDL बनेगा, और वो बहुत आवश्यक है। करड़े चलेगा, करड़े चलेगा, राई का तेल चलेगा, करड़े का तेल चलेगा, सूरजमुखी का चलेगा, आपको शेंगा का तेल चलेगा, आपको तिल का तेल चलेगा, आपको नारियल का तेल चलेगा, सूरजमुखी ये सॉरी सोयाबीन छोड़कर कोई भी चलेगा। हाँ एक तेल नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना, वो भारत में तो होता नहीं है, आजकल बाहर से आने लगा है, पामोलिन तेल, ये नहीं चलेगा। ये पामोलिन तो बहुत ही खराब है, खराब से भी ज्यादा खराब, डालडा से भी ज्यादा खराब है पामोलिन।
कारण क्या है? पामोलिन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए शरीर का तापमान ही चाहिए कम से कम 40 से 47 डिग्री, और वो होता नहीं कभी, बुखार आने पे ही होता है वो तो। इसका मैंने स्वस्थ आदमी को पामोलिन तेल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब आप एक जिंदगी का नियम बना लीजिए, किसी भी होटल में खाना खाने जाए, वैसे तो ना जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन खाना खाने जाए तो सबसे पहला सवाल पूछे किस तेल में खाना बनाया, तो कहेगा डालडा में, तो नमस्ते जी नहीं खाते, तो फिर कहेगा नहीं जी मैंने तो पामोलिन में बनाया, तो डबल नमस्ते और भी नहीं खाते, तो फिर कहेगा मैंने रिफाइंड में बनाया है डबल रिफाइंड में, तो और तीन नमस्ते, तो फिर कहेगा फिर कौन सा खाना आप खाते, तो उससे पूछो करड़ी के तेल में बनाया, शेंगा के तेल में बनाया, तिल के तेल में बनाया, राई के तेल में बनाया, तो खाएंगे, ये पामोलिन के तेल में नहीं खाएंगे, डबल रिफाइंड में तो गलती से भी नहीं खाएंगे। आप अगर फरसान भी खरीदते हैं ना बाजार से, उससे भी पूछ लीजिए कौन से तेल में बनाया, तो ये पूछ कर ही खरीदिए। और अगर आपको ज्यादा चिकचिक झंझट लगता है तो घर में खुद बना लीजिए, फरसान बाजार से क्या लाना, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सूत्र, आखिरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूं, पीछे तक आता हूं। आखिरी सूत्र ये है कि अपने रसोई घर में से दो चीजों को निकाल के बाहर करिए, एक तो शुगर, चीनी, शक्कर, और दूसरा ये डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों बाहर करिए। अंदर क्या लाना है? स्वयं पाक घर में लाना है गुड़ या तो काकवी, और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको, ये दोनों घर में लाना है, और ये दो बाहर से करना है। भोजन में इसका कल से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप में से किसी को भी अगर डायबिटीज है, किसी को भी गुर्दे दुख रहे हैं, किसी को भी कमर दुख रही है, ये कल से ही शुरू कर दीजिए। शक्कर बन गुड़ चालू, शक्कर बन काकवी शुरू, और ये रिफाइंड तेल बन शुद्ध तेल शुरू। मैं 15 दिन की आपको गारंटी दे रहा हूँ, 15 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 15 दिन के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कराना, पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति होगी, और 2 महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता नॉर्मल ही हो जाए, बिना इंसुलिन के, बिना औषधि के। ये गुड़के दुखना अपने आप बंद हो जाए, कमर दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, पेट में एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये चला ही जाएगा, शरीर आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय में भी गुड़, गुड़ की चाय बनती है कि नहीं, और वो शक्कर से अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी है। गुड़ की चाय पीजिए, काकवी की चाय पीजिए, दूध में डालना है तो गुड़ मिलाइए, दूध में मिलानी है तो काकवी मिलाइए, अगर ताक में मिलाना है तो गुड़ मिलाइए, और मिलाना है तो काकवी मिलाइए, शुगर बिल्कुल बंद, बासुंदी भी खानी है तो गुड़ की खाइए, हाँ बासुंदी गुड़ की खाइए, खीर बनानी है तो गुड़ की बनाइए, खीर बनानी है तो काकवी की बनाइए, लड्डू बनाना है तो गुड़ का बनाइए, काकवी का बनाइए, जो मिठाई आपको बनानी है खूब बनाइए, गुड़ की बनाइए। गुड़ आप कितना भी खाएंगे तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलता हूं जिनको डायबिटीज है वो भी गुड़ खाए तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में है, और शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड, दोनों में जमीन आसमान का, इसलिए गुड़ खाइए काकवी खाइए कोई तकलीफ नहीं, बासुंदी भी खाए गुड़ की, दूध में डालना तो गुड़, दूध में मिलाना तो काकवी, अगर आपको शरबत पीना है मान लीजिए तो गुड़ का पीजिए ना, गुड़ का शरबत क्या बुराई है, नींबू की शिकंजी बनानी है गुड़ में बनाइए, काकवी में बनाइए, शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए।